तू निश्चित होकर अपने कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। जिले में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर नशा मुक्त समाज का किया आह्वान। तू निश्चित होकर कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। उक्त संदेश नशे पर लगाम लगाने की कवायद में आयोजित कार्यशाला में दिया गया। लघु सचिवालय में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से नशे को खत्म करने की कवायद शुरू हुई। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर करनाल में आयोजित नशाखोरी एवं नशा छोड़ शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शपथ दिलाई। लघु सचिवालय में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने समाज से नशे जैसी बुराई को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस की इकाई नुहू पुलिस जिला नुहू में नशा तस्करों का सफाया करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। बताया कि ये दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है ताकि नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक कर इससे जुड़े खतरों के बारे में अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने पुलिस महानिदेशक हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने नशीले आतंक को जड़ से मिटाने के लिए देश के उत्तरी राज्यों को एक मंच पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनके मार्गदर्शन में पड़ोसी राज्यों से भी बेहतर समन्वय बनाते हुए पुलिस ने से खुफिया जानकारी के वास्तविक आदान प्रदान से मादक पदार्थों की तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लगाया है, तथा ये भी बताया कि नशा मनुष्य को किसी प्रकार का सामाजिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। सामाजिक रूप से बहिष्कार व्यक्ति को समाज द्वारा ही नशे से दूर लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस 24 घंटे नागरिकों के बीच में रहती है और लोगों को नशे से बचाने की अहम भूमिका निभाती है। नशे पर लगाम लगाने के लिए नुहू पुलिस लगातार अभियान चला रही है, साथ ही स्कूलों और कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में नागरिकों को विशेषकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। सभ्य समाज से नशे के लिए कोई जगह नहीं है। नुहू पुलिस द्वारा नागरिकों विशेषकर युवाओं को मादक पदार्थों को खतरे से बचाने के लिए ड्रग्स तस्करों सहित इसमें संलिप्त अन्य उनके खिलाफ इसी प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने यह भी कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जंग जीतने के लिए आम आदमी का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि नशे के सौदागरों व नेटवर्क को कुचलने के लिए इसकी बिक्री खपत उपयोग संबंधी जानकारी हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 9050-8915-08 के अलावा एंटी नारकोटिक सेल ताउड़ू के मोबाइल नंबर 8930-900-297 वे पुलिस अधीक्षक नुहू के मोबाइल नंबर 8930-900-220 पर साझा करें। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नुहू के साथ प्रशासनिक विभाग से रणवीर सिंह, उषा कुंडू उप पुलिस अधीक्षक नुहू मेवात, ममता खरब उप पुलिस अधीक्षक महिला विरुद्ध अपराध नुहू, विभिन्न स्कूल के कॉलेज को वे अन्य पुलिस के जवान वे विद्यार्थी गण मौजूद रहे। सर, सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी जो ऑनलाइन है अभी, उन दोनों का बहुत तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज के दिन 26 जून को आपने ये योग बनाया कि हरियाणा का जो एक्शन प्लान है नशे के विरुद्ध लड़ने का, उसको हम आज आपके और माननीय गृह मंत्री जी के जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं उनके गाइडेंस से आज के दिन हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ये मेरा अपना मानना है और ये बहुत सारी स्टडीज बताती है कि नशा कभी भी केवल एनफोर्समेंट से कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। जितने आधुनिक प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, चाहे यूएस हो, कोलंबिया हो, फिलीपींस हो, वहां उन्होंने बहुत एनफोर्समेंट किया, लेकिन नशा रुका।